हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट टू करेंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फर्स्ट व्हाट इज करेंट। करेंट क्या है? हमारे यूनिट का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले हमें ये पता होना चाहिए करेंट होता क्या है। इससे प्रीवियस जो हमारा यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। चार्ज है, चार्ज आपका रेस्ट पे है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हमने यूनिट वन में डिस्कस किया था। पहले सिंगल चार्ज के लिए, फिर हमने टू चार्जेस लिए थे, फिर देन उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए कि कोई गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया था और हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है या फिर प्लेन शीट है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ चार्जेस होंगे, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमने डिस्कस किया था। एंड लास्ट में हमने एक स्पेशल केस लिया था कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में भी आपकी प्लेट्स में चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस के थ्रू कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमने उसमें कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस किया था। कैपेसिटर्स क्या होता है? प्लेट्स होती हैं जिनमें आपके चार्जेस स्टोर होते हैं, ठीक है। अब ये चार्जेस हो गए हैं, ठीक है, कहीं पे आपके पास चार्जेस हैं। नाउ व्हेन चार्जेस विल फ्लो देन देयर विल प्रोड्यूस करेंट। देखिए एक वायर है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, और वायर में चार्जेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं चार्जेस, जो सारे चार्ज आपके फ्लो नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, फ्री होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके वायर में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ध्यान रखिए कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी आपके पास एटम्स है, कोई भी सरफेस है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं, जब हम कोई सोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने सेल ले लिया या फिर कोई हमने बैटरी ले लिया, बैटरी में क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कोई सेल लिया या फिर बैटरी लिया, जब हमने कोई सोर्स से आपके यहाँ से एनर्जी दिया तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, आपके मूव करना स्टार्ट कर देंगे या फिर चार्जेस आपके फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, किस तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आपका सेल है, सेल का ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्लो होना क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपका करेंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं माइनस टू प्लस टर्मिनल, अब करेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस टू प्लस आपके फ्लो कर रहे हैं, या फिर हमें कंसीडर करें हमारा चार्ज है, चार्ज फ्लो करेंगे, देन चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। करेंट को इंडिकेट करते हैं आई से। करेंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितने टाइम में कितना आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, उस अमाउंट को कहते हैं करेंट। करेंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। आपका करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट है एम्पियर, जो आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़ा होगा, ओके। व्हेन चार्ज विल फ्लो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करेंट, ठीक है। अब करेंट आपका वायर में फ्लो कर रहा है तो वायर का कुछ ना कुछ क्या होता है, आपका एरिया होगा, देन आई डिवाइडेड बाई ए इज नोन एज करेंट डेंसिटी। वट इज करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी को जे से इंडिकेट करते हैं, करेंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज
करेंट पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में कितना करेंट फ्लो हो रहा है, दिस वैल्यू नोन एज करेंट डेंसिटी जे। अब इसका आपका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूले को इंडिकेट करता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जे विल बी इक्वल टू आपका आई का यूनिट क्या है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, देन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला में एम्पियर को ए से इंडिकेट करते हैं, देन ए मीटर स्क्वायर के लिए आपका एल माइनस टू, सो इस डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी ए एल माइनस टू। ओके, तो देखिए सर वर्किंग कैसे है, आपके पास सेल है या बैटरी है, जो भी सोर्स है, सोर्स से आपको पोटेंशियल मिलता है, सोर्स से क्या मिलेगा पोटेंशियल मिलेगा, और जब सोर्स से पोटेंशियल मिलेगा या फिर एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं माइनस टू प्लस डायरेक्शन, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है प्लस टू माइनस, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। हायर पोटेंशियल मीन जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, देखिए जो प्लस में है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, जो माइनस में उसका पोटेंशियल कम होगा, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है, फ्लो करता है, या फिर आप इसे कहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस टू प्लस जाएंगे तो पोटेंशियल इसका अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस टू प्लस और एक करंट आपका प्लस टू माइनस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, अब देखिए जब आपका करंट फ्लो करता है या फिर जब आपका एनर्जी किसी भी वायर में होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, तो एनर्जी आपका हीट में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है आपका, हीट में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी इज डिफाइंड एज वी आई टी, क्या है एनर्जी, ई इज इक्वल टू वी आई टी, वी क्या है यहाँ पे वोल्टेज, आई क्या है करंट, टी क्या है टाइम, एनर्जी ई इज इक्वल टू वी आई टी होता है। ठीक है, अब देखिए वी आई टी, वी क्या है वोल्टेज, आपने जो भी सोर्स है यहाँ से आपको कुछ वोल्टेज मिलता है, या फिर आप ये मान लीजिए कि वायर है, वायर में कुछ वोल्टेज होगा, वो वी आई कितना करंट फ्लो हो रहा है, टाइम टी कि कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, सो एनर्जी ई इज डिफाइंड एज वी आई टी, एंड वी आई टी विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आई स्क्वायर आर टी कैसे आया है, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से आएगा, और वो लॉ क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज ओम्स लॉ, वायर है ठीक है, ये आपका या फिर सर्किट मान लीजिए, ये वायर है, इसको हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया ठीक है, अब यहाँ पे ये सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट में हमारे पास मान लीजिए ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है या फिर लोड है या बल्ब है, जो भी इसके लिए आप सर्किट है ना, तो सब कुछ ना कुछ यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी का, किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका लोड हो गया है या फिर आपका रेजिस्टेंस भी इसे कहते हैं, सेम चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे आपके, ये माइनस है ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे माइनस टू प्लस की तरफ, करंट फ्लो करेगा आपका प्लस टू माइनस की तरफ। आप ये डायरेक्शन सर्किट में ध्यान रखिए कि कैसे आई का डायरेक्शन होता है, आई का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा ठीक है। अब देखिए जब करंट फ्लो करता है और यहाँ पे सर्किट है तो इसका कुछ वोल्टेज होगा, देन आई इज प्रपोर्शनल टू वी, आई विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द सर्किट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ये आपने इसे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा 10th क्लास में। सो व्हाट इज ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट आई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वोल्टेज वी ऑफ द सर्किट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वी कैन से दैट वी इज प्रपोर्शनल टू आई, आई इज प्रपोर्शनल टू वी और वी इज प्रपोर्शनल टू आई। अब देखिए वी इज प्रपोर्शनल टू आई, जब प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी आर, एंड दिस आर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जब करंट फ्लो होता है सर्किट में, जब करंट सर्किट में फ्लो होता है और वोल्टेज आपका वी है सर्किट में, तो आपका करंट फ्लो होने के उसके जो उसका जो वे है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती है, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ वायर या फिर एरिया ऑफ द वायर या फिर कुछ भी चीज़ें जहाँ पे आपने लोड यूज़ किया है, तो आपका करंट के फ्लो होने में जो भी आपके बैरियर्स आते हैं, जो भी आपका
रुकावट आता है, उस रुकावट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इन द फ्लो ऑफ करंट आई। करंट आई जब फ्लो करता है तो उसके फ्लो में जो भी रुकावट आती है, जो भी आपका करंट को फ्लो होने के लिए आपने बीच में फ़ैन यूज कर लिया है या फिर आपने बल्ब यूज कर लिया है, ये सारे क्या होते हैं आपके एक तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में ये एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं, या फिर हिंड्रेंस जो भी ऑफर्ड होता है बाय द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। तो वी इज प्रपोजनल टू आई, देन वी विल बी इक्वल टू आर आई। फ्रॉम हेयर वी विल गेट वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू वी बाई आई। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। वी आर क्या हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी बाई आई। ओके, आर इज इक्वल टू वी बाई आई और वी इक्वल टू आर आई। अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज वी आई टी, वी वोल्टेज, आई करेंट, टी टाइम। अब देखिए वी इक्वल टू आर आई है, वी इक्वल टू आर आई पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। या फिर अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू करते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। I विल बी इक्वल टू V बाई आर व्हेन वी विल प्लेस I इक्वल टू V बाई आर, देन यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर टी। तो ये अलग अलग फॉर्म है, जिस तरह की वैल्यूज गिवन होंगी उस तरीके से आप उस वैल्यू को किसी भी इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। अगर आपको V और R की वैल्यू गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको I और R की वैल्यू गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, V और I की वैल्यू गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी E सर्किट में कितना है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पावर P। व्हाट इज पावर P? पावर P इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। सो न्यूमेरिकली हम लोग क्या लिख देंगे, P इज इक्वल टू E बाई टी। P इज इक्वल टू E बाई टी, E की वैल्यू है वी आई टी, देन वी विल पुट वैल्यू ऑफ E वी आई टी, वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, देन वी विल गेट वी आई। तो पावर P के लिए भी सेम, आपका इन तीनों को T से डिवाइड करेंगे तो आपको तीन फॉर्मूले मिल गए हैं। पावर P इज इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन फॉर्मूले हैं पावर P के लिए इन टर्म ऑफ वी आई, आई आर और वी आर के टर्म में हमारी ये तीन फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज कैसे आई है, ये ओम्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आर आई, वहाँ से अलग अलग फॉर्म में हमने E और P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने वी आई ग्राफ देखना है कि अगर हमारा V इज प्रपोजनल टू आई, V इज प्रपोजनल टू आई, तो V और I का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि इसका इक्वेशन कैसा है, V इज प्रपोजनल टू I, मीन्स डायरेक्टली प्रपोजनल है, तो V का I के साथ वेरिएशन किस तरीके से होगा, जिस तरह तो इसका आपका एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपको मिलेगा V और I का। और जब ये स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा तो इसका रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपने अगर ये स्ट्रेट लाइन है कोई भी दो पॉइंट लिया, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आई वन वी वन, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आई टू वी टू। ठीक है, तो आपका इसका देखिए V इज इक्वल टू आर आई, तो ये किस तरीके से ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, या आपका रिप्रेजेंट करता है X इक्वल टू एम वाई प्लस सी। इस तरीके का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है X इक्वल टू एम वाई प्लस सी। तो देखिए उसी तरीके का आपका ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। M यहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है। M क्या होता है, यहाँ पर स्लोप होता है, और यहाँ पर हमारा स्लोप क्या है R। मीन्स इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही आपका रेजिस्टेंस R होगा, एंड वैल्यू ऑफ दिस R विल बी इक्वल टू डेल V बाई डेल I। अब R का इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। देखिए ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, स्लोप आपका रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को, एंड टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू वी टू है, यहाँ पर ये वी वन है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई बेस। बेस यहाँ पे क्या, देखें ये वैल्यू आपकी यहाँ पर I2 है और यहाँ पे वैल्यू I1 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी I2 माइनस I1। तो यहाँ से ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल V बाई डेल I। ये R क्या हमने निकाला है, स्लोप निकाला है। क्या निकाला हम लोगों ने, स्लोप निकाला है।
और ये स्लोप हमारा 10 थीटा होता है। और हम लोगों ने स्लोप आर क्यों लिया है, हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर जो ये एम होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हमारा एम के प्लेस पर, देखिए सी की वैल्यू जीरो है और एम के प्लेस पर आर है, तो इसलिए हमारा ये आर क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ दिस आर विल बी इक्वल टू डेल बी बाई डेल आई। आर इज द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। देखिए आपका सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस होता है ये आपका किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सो दिस आर, दिस रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए वायर है, इस वायर का लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। तो जो आपका इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, ये वायर का जो भी रुकावट होगा करंट फ्लो होने में, दैट आर विल बी डायरेक्टली प्रपोजनल टू एल, मीन्स वायर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एल एल इंक्रीज करेगा तो आपका आर भी इंक्रीज करेगा, मीन्स लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आर सर्किट में इंक्रीज होगा। तो जो भी आप वायर यूज़ करें उसकी लेंथ कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, आर इज़ इन्वर्सली प्रपोजनल टू ए, मीन्स वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ए आपका इंक्रीज करेगा तो आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, देन वी कैन राइट आर इज प्रपोजनल टू एल बाई ए, आर इज प्रपोजनल टू एल बाई ए। एंड जब प्रपोजनलिटी का साइन हटा के हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं एंड कॉन्स्टेंट इज रो, सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर रो क्या है, रो इज नोन एज रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रजिस्टेंस। आर को क्या, यहाँ पर रो को क्या कहते हैं, आर इज इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस एंड रो इज स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ द सर्किट, रजिस्टिविटी ऑफ द वायर जो भी आपका यूज हो रहा है। जो वायर का रजिस्टिविटी होता है वो उसके मटीरियल पर डिपेंड करता है। कॉपर है तो कॉपर का रजिस्टिविटी एक होगा, या फिर जो भी आप वायर यूज़ करें, वायर एल्यूमिनियम यूज़ करें तो उसका एक फिक्स रजिस्टिविटी होगा। तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द वायर। आर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर एंड हियर वी विल यूज अ कॉन्स्टेंट रो एंड रो इज नोन एज रजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड दिस रजिस्टिविटी ऑफ द वायर विल डिपेंड ऑन मटीरियल ऑफ द वायर। तो यहाँ से रो के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल एंड आर इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और आर का यूनिट क्या होता है, ओम। आर का यूनिट क्या होता है, आप चाहे तो वोल्ट पर एम्पियर भी होता है एंड वोल्ट पर एम्पियर को आपका एक नाम दे दिया गया है ओम, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका कहाँ से आता है, ओम्स लॉ से आता है, इसलिए इसका यूनिट भी ओम कर दिया गया है, यूनिट ऑफ आर इज ओम। नाउ वट विल बी यूनिट ऑफ दिस रो, देखिए आर का यूनिट है ओम, ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का यूनिट जाएगा मीटर, देन आपका यहाँ पर रिमेनिंग यूनिट क्या रहेगा, ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ रो विल बी ओम मीटर। तो रो यहाँ पर क्या है, रजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रजिस्टेंस भी इसे कहते हैं, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। एंड आपका ये रजिस्टिविटी मटीरियल पर डिपेंड करता है कि वायर का मटीरियल क्या है। थैंक यू।